नोएडा में बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राई क्लीन के कंपनी के मालिक के दफ्तर में चोरी हो गई है। दरअसल मामला नोएडा के सेक्टर 121 का है, जहां पीड़ित सुमित कुमार की एक ड्राई क्लीन की कंपनी है। आरोप है कि कंपनी में काम करने वाले दो युवक अवनीश कुमार प्रजापति और उनके भाई मनीष प्रजापति ने चोरी की है। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है और बताया है कि जब वे करीब 10 बजे रात को अपनी कंपनी में आए तो उन्हें कंपनी का सारा सामान बिखरा हुआ मिला, साथ ही करीब 1,80,000 रुपए और 4 मशीनें जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है वो गायब थे। पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत दी है और कहा है कि लगातार चोरी के आरोप भी लगा रहे हैं, साथ ही उनकी कंपनी में काम करने वाले जो है उन पर वे लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुमित मामले के बाद से ही अवनीश कुमार प्रजापति और उनके भाई मनीष प्रजापति को फोन लगा रहे हैं, लेकिन इन दोनों का फोन बंद आ रहा है। फिलहाल नोएडा पुलिस पीड़ित की तहरीर पर मामला उन्होंने जांच पड़ताल में जुट गई है।